क्या आपने कभी ये सोचा है कि गीले कपड़े सूखे कपड़े के मुकाबले डार्क क्यों दिखते हैं? वेल, इसके पीछे की साइंस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हम किसी भी चीज़ का रंग कैसे देख पाते हैं और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का रंग कैसे देख पाते हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। हम एक लाल टी शर्ट के बारे में सोचते हैं। जब इस टी शर्ट पर वाइट लाइट पड़ती है तो इसकी फैब्रिक उस वाइट लाइट में मौजूद सभी रंगों की वेवलेंथ को अब्जॉर्व कर लेती है सिवाय लाल रंग की वेवलेंथ के। मतलब इस टी शर्ट से सिर्फ एक रंग की किरण निकल पाएगी जो कि है लाल रंग। और जब ये लाल रंग की किरणें हमारी आँखों तक पहुँचेंगी तो हम लाल रंग देख पाएंगे। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसके अनुसार जब कोई भी लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो कुछ ऐसे एंगल से गिरती है कि वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इतना समझ जाने के बाद हम इसका कारण समझते हैं। अगर टी शर्ट गीली हो जाती है तो उसके ऊपर पानी की एक परत बन जाती है, और जब लाइट उस परत से पास होती है और कपड़े तक पहुंचती है तब कुछ किरणें उस पानी की परत में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और इस कारण से गीला कपड़ा ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर पाता है सूखे कपड़े के मुकाबले, जिसकी वजह से हमारी आँखों तक कम लाइट पहुँच पाती है और कपड़ा डार्क दिखता है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला और आप ऐसी साइंस रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस बिहाइंड इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।